रुद्रप्रयाग से यूकेडी प्रत्याशी मोहित डिमरी ने किया नामांकन। रुद्रप्रयाग विधानसभा से यूकेडी के प्रत्याशी मोहित डिमरी ने अपने समर्थकों के साथ आज नामांकन किया। उन्होंने कहा, भाजपा कांग्रेस ने जनता के साथ छलावा किया। रुद्रप्रयाग विधानसभा की जनता इस बार यूकेडी का साथ देगी और भारी मतों से विजयी बनाएगी। नवभारत समाचार रुद्रप्रयाग से जगदम्बा नौटियाल की रिपोर्ट। देखिए, आज हमने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और जो पहाड़ के ज्वलंत सवाल हैं, पानी का सवाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, शिक्षा का, रोजगार का सवाल है, इसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि अब एक मौका आप उत्तराखंड का दल को दीजिए। उत्तराखंड का दल वही दल है जिसने उत्तराखंड राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज भाजपा कांग्रेस की सरकारें होने के बावजूद भी उत्तराखंड की तस्वीर नहीं बदल पाई। आज भी बुनियादी सवाल वहीं के वहीं हैं यूपी के ज़माने में थे। हम बदलाव लाना चाहते हैं, उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, इसलिए आप एक बार उत्तराखंड का दल को मौका दीजिए। जी डिमरी जी, ये बताए कि यहाँ पे जैसे रुद्रप्रयाग में पहले से चली आ रही है कि भाजपा और कांग्रेस, क्या इस टाइम यूकेडी फतेह कर पाएगी? क्या संदेह इस बार यूकेडी का को जनता मौका देने के लिए तैयार बैठी हुई है और बहुत जबरदस्त इस समय जनता में यूकेडी के लिए बना हुआ है। जब नतीजे 10 मार्च को आप देखेंगे तो उत्तराखंड कैंडल के पक्ष में ही आएंगे। इस राज्य की निर्माता है और उसका अधिकार भी बनता है कि इस समय लोगों को उत्तराखंड क्रांतिदल को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि बारी बारी आपने भाजपा कांग्रेस को मौका दिया। और जहां तक रुद्रप्रयाग की बात है तो यहां पर हमारे प्रत्याशी मोहित डिमरी निरंतर जनता के बीच में हैं और जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस समय भाजपा कांग्रेस को नकारते हुए रुद्रप्रयाग विधानसभा और केदारनाथ विधानसभा में उत्तराखंड क्रांतिदल के प्रत्याशी विजयी होकर आएंगे और भाजपा कांग्रेस मंगाई जी ये भी हार का सामना करना पड़ेगा। जी जी, आप ये भी बताएं कि यहाँ पे और भी उत्तराखंड क्रांति दल के दावेदार थे रुद्रप्रयाग में, क्या आप उनको मना पाएंगे? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल में जितने भी दावेदार थे वो सब इस बात पर सहमत हो गए हैं कि मोहित डिमरी को टिकट मिला है और निसंदेह सभी लोग मोहित डिमरी के लिए काम करेंगे और मोहित डिमरी विजयी होंगे।